नमस्कार दोस्तों, नव भारती परिवार में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको बच्चों सर्वोच्च न्यायालय के बारे में पढ़ाऊंगी। सर्वोच्च न्यायालय का गठन, नियुक्ति, कार्यकाल, इन सब के बारे में चर्चा इस वीडियो में हम सब करेंगे। बच्चों तो देखो, अपना टॉपिक है बच्चों सर्वोच्च न्यायालय। ध्यान रखना बच्चों, सर्वोच्च न्यायालय का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 5 में देखने को मिलता है। इसके अलावा अनुच्छेद 124 से 147 तक सर्वोच्च न्यायालय का उल्लेख देखने को मिलता है। सर्वोच्च न्यायालय की जड़ें हमें 1935 के अधिनियम में देखने को मिलती है। 1935 का जो अधिनियम था उसमें इसकी जड़ें मिलती हैं। सर्वोच्च न्यायालय जो है, सर्वोच्च न्यायालय न्यायपालिका की सर्वोच्च संस्था है। न्यायपालिका की सर्वोच्च संस्था के रूप में जो कार्य करता है वो कौन है बच्चों? सर्वोच्च न्यायालय। और हमारी जो सरकार है उसके 3 अंगों में न्यायपालिका कानून की सुरक्षा करने का कार्य करती है। ये सब जानते हो बच्चों, गरीब अमीर इन सबको एक जैसा न्याय प्रदान करने के लिए स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका की आवश्यकता थी बच्चों, क्योंकि हमने कहा था कानून के समक्ष समानता का अधिकार है हर भारतीय को। तो हमारे अधिकारों का संरक्षण करने के लिए न्यायपालिका की व्यवस्था की गई। और न्यायपालिका का सर्वोच्च अंग है बच्चों सर्वोच्च न्यायालय। न्यायपालिका सरकार के 3 अंग के रूप में आया और इस न्यायपालिका को राजनीति से दूर रखा गया। राजनीति से क्या रखा गया? दूर रखा गया। और विधायिका का हिस्सा जो है इसको नहीं नियुक्त किया गया। राष्ट्र सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश थे उनकी नियुक्ति पदच्युति में विधायिका की जो मांग थी, विधायिका के हस्तक्षेप को हमारे भारतीय संविधान ने स्वीकार नहीं किया। इसके अलावा हमारा भारतीय संविधान व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के द्वारा कोई भी ऐसा कानून लागू करे जिससे कि क्या हो, जिससे कि हमारे देश में असमंजस स्थिति हो, तो उस समय अगर व्यवस्थापिका और कार्यपालिका ने हमारे देश में ऐसा कोई कानून ला दिया जो हमारे देश के संवैधानिक तंत्र के खिलाफ है बच्चों, तो ध्यान रखना न्यायपालिका उस मामले में हस्तक्षेप कर सकती है और कर रही है, ताकि स्वतंत्र और निष्पक्ष न्याय जो है वो मिल सके। तो हमारे देश में आज हमें स्वतंत्र न्यायपालिका मिली है। स्वतंत्र न्यायपालिका जो हमारे भारतीय संविधान में संघीय ढांचे का एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि हमारे देश की जो संघीय व्यवस्था है उस संघीय व्यवस्था में केंद्र और राज्य दोनों के बीच विवाद चलते रहते हैं। संविधान में असमंजस की स्थिति पैदा हो जाती है तो उस समय हमारी न्यायपालिका निष्पक्ष न्याय प्रदान करती है कि जब केंद्र व राज्यों के बीच में विवाद हो जाता है, संविधान से संबंधित ऐसा कोई प्रश्न आ जाता है जिसका निपटारा कौन करती है? हमारा सर्वोच्च न्यायालय ही करता है। तो सर्वोच्च न्यायालय संविधान में संविधान की रक्षा, सुरक्षा और न्याय प्रदान करने का कार्य कौन करता है बच्चों? हमारा संविधान करता है। तो हमारी जो सर्वोच्च न्यायालय की बात करें अगर हम बच्चों, तो सबसे पहला इसका टॉपिक है गठन। गठन की बात करें तो बच्चों प्रारंभ में सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश थे बच्चों। प्रारंभ में सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश थे। ये कहता है हमारा अनुच्छेद 124 कि सर्वोच्च न्यायालय में जो है उसका निर्माण कुछ उच्चतम न्यायाधीशों
और मुख्य न्यायाधीश से मिलकर के सर्वोच्च न्यायालय का निर्माण होगा और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करने का कार्य राष्ट्रपति जी के द्वारा किया जाएगा, ताकि व्यवस्थापिका न्यायपालिका के ऊपर हावी नहीं हो सके। इसीलिए हमारे देश में कहा गया है प्रारंभ में इसके मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की संख्या ये थी, लेकिन 2008 में परिस्थितियों को देखते हुए न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाकर 30+1 कर दी गई, तो वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या कितनी है बच्चों? 31 है। कितनी है? 31 है। अब बात आती है इनकी नियुक्ति की, तो बच्चों सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करने का कार्य कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करने का कार्य राष्ट्रपति करता है और राष्ट्रपति सबसे पहले मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है और मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के बाद अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। अब अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति किस प्रकार की जाएगी, उसके लिए हमारे देश में एक प्रणाली विकसित थी जिसको बोलते हैं बच्चों कॉलेजियम प्रणाली। कौन सी प्रणाली? कॉलेजियम प्रणाली थी, जिसमें ये कहा गया कि 5 न्यायाधीशों की एक बैच बनाई जाएगी, मुख्य न्यायाधीश सहित 5 न्यायाधीशों की जो वरिष्ठ न्यायाधीश होंगे उनकी बैच बनाई जाएगी और उस बैच ने जो जिन न्यायाधीशों को अन्य न्यायाधीशों के पद पर नियुक्त किया है उनको अन्य न्यायाधीशों के पद पर नियुक्त कर दिया जाएगा। लेकिन बच्चों ये जो कॉलेजियम प्रणाली थी, इस कॉलेजियम प्रणाली पर विवाद उठने लगे, राजनीतिक सरगर्मियां तेज होने लग गई कि कॉलेजियम प्रणाली के आधार पर अच्छे न्यायाधीशों की नियुक्ति नहीं हो पा रही है बच्चों। तो हमारे भारत में 99वां संविधान संशोधन किया गया 2014 में, क्योंकि हमारी संसद को न्यायपालिका का गठन करने की क्या है, न्यायपालिका के न्यायाधीशों की संख्या को बढ़ाना है घटाना है, ये कार्य हमारी संसद करती है। तो संसद ने एक संविधान संशोधन लेकर के आई, 99वां संविधान संशोधन, और जिसे 121वां संविधान संशोधन के नाम से भी जाना जाता है। इस संविधान संशोधन में लाया गया कि न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम आया 2014 में, लोकसभा ने इसको 13 अगस्त को पारित कर दिया, 14 अगस्त 2014 को राज्यसभा ने भी इसको संस्तुति दे दी। लोकसभा और राज्यसभा के पारित होने के बाद आधे राज्यों की विधानसभाओं की स्वीकृति ली गई, उसकी स्वीकृति लेने के बाद बच्चों दिसंबर 2014 में राष्ट्रपति जी ने भी इस राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति अधिनियम को पारित कर दिया और हमारे देश में एक नया आयोग आ गया, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का इसके तहत क्या कर दिया गया बच्चों, गठन कर दिया गया। 2015 में एक आयोग बनाया गया, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग। किस संविधान संशोधन के तहत बनाया गया? 99वां संविधान संशोधन के तहत बच्चों एक आयोग का गठन कर दिया गया जिसका नाम है राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग। ये क्या था बच्चों? इसमें कहा गया कि इसका जो अध्यक्ष होगा वो चीफ जस्टिस होगा, सीजे जो होगा सर्वोच्च न्यायालय का वो इसका पदेन अध्यक्ष होगा। इसके अलावा 3 अन्य न्यायाधीश जो कि वरिष्ठतम होंगे वो इसके क्या होंगे, सदस्य होंगे। इसके अलावा 1 विधि मंत्री जो है इसका क्या होगा, सदस्य होगा, और 2 है इसके पदे सदस्य होंगे। तो ये न्यायाधीश सहित है, 2 अन्य न्यायाधीश होंगे,
एक अध्यक्ष होगा तो तीन तो क्या होंगे बच्चों, न्यायाधीश होंगे, एक विधि मंत्री होगा और दो पदेन सदस्य होंगे राष्ट्रीय नियुक्ति आयोग में, और इन छह मेंबर्स के द्वारा डिसाइड किया जाएगा कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद पर किन किन न्यायाधीशों को नियुक्त किया जाए। अब ये बच्चों जो दो पदेन सदस्य थे, दो क्या थे पदेन सदस्य जो थे, इन पदेन सदस्यों को नियुक्त कौन करेगा, उनकी नियुक्ति करने में प्रधानमंत्री, विपक्ष का नेता, लोकसभा का नेता, ये मिलकर के किसका निर्माण करेंगे बच्चों, इन दो पदेन सदस्यों को नियुक्त करने का कार्य जो है वो बच्चों कौन करेगा, ये करेंगे कौन, प्रधानमंत्री, विपक्ष का नेता और लोकसभा का जो नेता होगा वो मिलकर के इन दो व्यक्तियों को चुनेंगे। ठीक है, अब इस तरीके से इस राष्ट्रीय नियुक्ति आयोग का गठन कर दिया गया और कहा गया कि 5:1 के आधार पर 5-6 में से 5 लोगों ने अगर उस न्यायाधीश के बारे में बोल दिया तो उसको न्यायाधीश के पद पर लगा दिया जाएगा, जबकि कॉलेजियम है 3:2। ठीक है, अब आती है बात कि जब राष्ट्रीय नियुक्ति आयोग आया, इस पर सवाल खड़े होने लग गए, न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर एक धब्बा लग गया और न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं हो पा रही थी। क्यों? क्योंकि इन दो पदेन सदस्यों से संसद सदस्यों ने न्यायाधीशों की नियुक्ति में हस्तक्षेप करना प्रारंभ कर दिया, तो न्यायपालिका ने अपनी भूमिका को बरकरार रखने के लिए बच्चों 16 अक्टूबर 2005 को एक बैच बनाई गई और इस बैच ने इस राष्ट्रीय नियुक्ति आयोग को असंवैधानिक घोषित कर दिया कि ये न्यायपालिका को स्वतंत्र नहीं रख सकती, न्यायपालिका में राजनीति आ रही है, इसलिए राष्ट्रीय नियुक्ति आयोग को असंवैधानिक करार दे दिया गया बच्चों। तो इस तरीके से वापस हमारे देश में अन्य न्यायाधीशों को नियुक्त करने में कॉलेजियम प्रणाली को अपनाया गया बच्चों। ध्यान रखना बच्चों, कोई भी अगर अन्य मामला है तो उसमें आपका 3 न्यायाधीशों का कॉलेजियम बनाया जाता है, जबकि राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाना है तो 5 न्यायाधीशों की बैच बैठती है, वो अपन बाद में डिस्कस करेंगे। अभी इतना ध्यान रखना कि राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है और कॉलेजियम प्रणाली के आधार पर अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। 2014 में 99वां संविधान संशोधन हुआ, उसमें कहा गया कि जिसको लोकसभा ने 13 अगस्त को पारित किया, राज्यसभा ने 14 अगस्त 2014 को पारित कर दिया, दिसंबर 2014 में राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने के बाद 2015 में राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग बना जो 6 सदस्य था, जिसमें का पदेन अध्यक्ष सीजे होगा, मुख्य न्यायाधीश होगा, इसके अलावा 2 अन्य न्यायाधीश होंगे और 2 पदेन सदस्य होंगे और एक विधि मंत्री होगा। जो 2 पदेन सदस्य होंगे बच्चों उनको प्रधानमंत्री, न्यायमूर्ति, विपक्ष का नेता और लोकसभा का सदस्य मिलकर के इन 2 पदेन सदस्यों को चुनेंगे और इन इस राष्ट्रीय नियुक्ति आयोग के द्वारा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाएगी। लेकिन 16 अक्टूबर 2015 में राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग को असंवैधानिक करार दे दिया गया बच्चों। तो ये हो गई बच्चों आपकी नियुक्ति। अब बात आती है 124(2) में कहा गया है कि न्यायाधीशों का जो कार्यकाल होगा वो 65 वर्ष तक अपने पद पर बने रहेंगे। देखो बच्चों, ये कार्यकाल में पद की स्थिरता बताई गई है कि न्यायाधीशों को महाभियोग के अलावा 65 वर्ष से पहले नहीं हटाया जा सकता। तो न्यायाधीश अगर अपने पद पर बने रहेंगे तो न्याय निष्पक्ष होगा,
स्वतंत्र रहेगा और सभी लोगों को न्याय मिल सकेगा। इसीलिए हमारे देश में न्यायाधीशों के पद को स्थिर बनाया गया और न्यायाधीशों का कार्यकाल यह है कि 65 वर्ष तक वो अपने पद पर बने रह सकते हैं, केवल महाभियोग के द्वारा ही उनको हटाया जा सकेगा। तो गठन हो गया, नियुक्ति हो गई, कार्यकाल। अब बात आती है बच्चों योग्यताओं की। योग्यता की बात करें तो पहली योग्यता सबको पता है बच्चों, भारत का नागरिक होना चाहिए, दिवालिया या पागल नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा बच्चों क्या होना चाहिए, 5 वर्ष तक उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश के पद पर रह चुका हो, न्यायाधीश के पद पर रह चुका हो, उस व्यक्ति को सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनाया जा सकता है। इसके अलावा 10 वर्ष तक अधिवक्ता रह चुका हो, 10 वर्ष तक अधिवक्ता रह चुका हो, वह व्यक्ति भी क्या बनाया जा सकता है, उसे भी राष्ट्रपति के पद पर नियुक्त किया जा सकता है कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए, 5 वर्ष तक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रह चुका हो या सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश रह चुका हो, या 10 वर्ष तक अधिवक्ता रह चुका हो, या चौथा है राष्ट्रपति की दृष्टि में विधि का ज्ञाता हो, उस व्यक्ति को बच्चों सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनाया जा सकता है। ये कहा है आपका अनुच्छेद 124(3) में योग्यताओं का उल्लेख किया गया है। अब बात आती है बच्चों पद से हटाने की, बात है अनुच्छेद 124(4) में। तो पद से हटाना है तो दो ही स्थितियों में हटाया जा सकता है, एक तो कदाचार और एक है आपका असमर्थता। इन दो आधारों पर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उनके पद से हटाया जा सकता है। पद से हटाने के लिए संसद के 2/3 बहुमत, संसद अगर 2/3 बहुमत से इस प्रकार के प्रस्ताव को मंजूर कर दे और राष्ट्रपति की मंजूरी मिल जाए तो उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उनके पद से हटाया जा सकता है। पहले देखा जाता है कि उसने कदाचार किया है या अपने कर्तव्यों का पूर्ण तरीके से पालन नहीं कर पा रहा है, तो सर्वोच्च न्यायालय के विरुद्ध संसद में 2/3 बहुमत से उसके विरुद्ध अभियोग लगाया जाएगा और न्यायिक असमर्थता का, जो कदाचार का संविधान का उल्लंघन करने पर, उस न्यायाधीश को उसके पद से हटाया जाएगा। आज तक किसी भी न्यायाधीश को महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा हटाया नहीं गया है, केवल रामास्वामी हैं। इसके अलावा भी 2018 में भी मामला आया था, तो कई मामले आए लेकिन आज तक किसी भी न्यायाधीश को इसके द्वारा नहीं हटाया गया है। बच्चों रामास्वामी पर केवल एक मामला आया था लेकिन उसको भी पारित नहीं किया गया। तो पद से हटाने की प्रक्रिया बहुत ही कठिन है क्योंकि न्यायपालिका को स्वतंत्र रखना है, अच्छा न्याय देना है, निष्पक्ष न्याय देना है, तो पद से हटाने की जो प्रक्रिया है उसको बड़ा ही कठिन बनाया गया है। उसके बाद आती है बच्चों शपथ ग्रहण। शपथ जो ग्रहण होती है उसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124(6) में है और शपथ का ध्यान रखना बच्चों, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को क्या दिलाता है, शपथ दिलाता है। वेतन भत्तों की बात करें तो वेतन भत्ते संसद भारत की संचित निधि में से दिए जाते हैं, तो संचित निधि में से दिए जाने के कारण न्यायाधीशों के वेतन में किसी भी प्रकार की कोई कटौती नहीं हो सकती, केवल वित्तीय आपातकाल को देखते हुए उसमें कटौती की जा सकती है,
बाकी न्यायाधीशों के वेतन भत्तों में किसी भी प्रकार की कोई कटौती नहीं की जा सकती, क्योंकि वेतन भारत की संचित निधि पर भारित माना जाता है। तो ये वेतन भत्ते, इसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 125 में देखने को मिलता है। उसके बाद आता है बच्चों कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 126 में देखने को मिलता है। अगर मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो राष्ट्रपति के द्वारा किसी भी वरिष्ठ न्यायाधीश को कार्यकारी न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किया जा सकता है, ताकि न्यायिक प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की कोई बाधा नहीं हो। उसके बाद आता है तदर्थ न्यायाधीश। तदर्थ न्यायाधीश, जिसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 127 में है, इसका मतलब है कि अगर सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की जो संख्या है वो अगर कम है, न्यायिक प्रक्रिया में बाधा आ रही है, तो किसी भी उच्च न्यायालय से न्यायाधीशों को सर्वोच्च न्यायालय में लगाया जा सकता है, उसे ही कहते हैं हम तदर्थ न्यायाधीश। फिर बोलते हैं सेवानिवृत्त न्यायाधीश, अनुच्छेद 128 में उल्लेख किया गया है, किसी भी सेवानिवृत्त न्यायाधीश को राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश की सलाह लेकर के किसको नियुक्त कर सकता है, सेवानिवृत्त किसी न्यायाधीश को न्यायाधीश के पद पर नियुक्त कर सकता है। इसका उल्लेख हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 128 में देखने को मिलता है। इसके अलावा कार्य स्थान, आप सब जानते हो बच्चों कि कार्य स्थान का उल्लेख हमारा जो भारतीय संविधान है उस भारतीय संविधान में कहां पर, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 130 में कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय का मुख्यालय नई दिल्ली में है, लेकिन इनकी जो बैठकें हैं या अपील सुनने का कार्य हैदराबाद और श्रीनगर में भी किया जा सकता है, हैदराबाद और श्रीनगर में भी किया जा सकता है। उसके बाद आता है निर्णय, निर्णय देना है तो तीन न्यायाधीशों की पीठ निर्णय देती है, लेकिन राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने जैसे मुद्दे होते हैं उनमें पांच न्यायाधीशों की पीठ जो है वो अपना निर्णय देती है। उसके बाद आती है उन्मुक्तियां। देखो बच्चों हमारा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 121 कहता है, क्या कहता है, कहता है कि संसद न्यायाधीशों के वेतन भत्ते उनके द्वारा दिए गए किसी भी निर्णय पर चर्चा नहीं कर सकती है। और यही बात 211 में मिलती है कि विधानमंडल में न्यायाधीशों की नियुक्ति उनके कार्यों और उनके द्वारा दिए गए निर्णयों पर संसद में चर्चा नहीं हो सकती है। बच्चों केवल चर्चा तभी होगी जब किसी न्यायाधीश पर महाभियोग लगाया जाएगा। तो ये सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उन्मुक्तियां दी गई है कि उनके द्वारा दिए गए निर्णय पर संसद में किसी भी प्रकार की कोई चर्चा नहीं की जा सकती। तो ये उन्मुक्तियां हैं। तो आज हमने बच्चों सर्वोच्च न्यायालय के गठन, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 1 में मिलता है, नियुक्ति, कार्यकाल, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 124(2) में मिलता है, योग्यता, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 124(3) में मिलता है, पद से हटाना, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 124(4) में मिलता है, शपथ ग्रहण राष्ट्रपति करवाता है अनुच्छेद 124(6) के अनुसार, वेतन भत्तों का उल्लेख अनुच्छेद 125 में है, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कर सकता है राष्ट्रपति, इसका उल्लेख 126 में है, तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति कर सकता है, इसका उल्लेख अनुच्छेद 127 में है, सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति कर सकता है, इसका उल्लेख अनुच्छेद 128 में है, कार्य स्थान दिल्ली है बट हैदराबाद और श्रीनगर में भी सर्वोच्च न्यायालय की अपील सुनी जा सकती है, निर्णय तीन न्यायाधीशों की बैच देती है लेकिन राष्ट्रपति पर महाभियोग संबंधी कोई प्रश्न है तो उस पर पांच न्यायाधीशों की पीठ भी निर्णय देती है। इसके अलावा संसद में न्यायाधीशों के निर्णयों के मामले में किसी भी प्रकार की कोई चर्चा नहीं की जा सकती बच्चों, और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के मामले में राज्य विधानमंडलों में किसी भी प्रकार की कोई चर्चा नहीं की जा सकती, ये कहता है अनुच्छेद 211 और 121। तो ये आज हमने सर्वोच्च न्यायालय के बारे में पढ़ा। आगे के वीडियोस में हम
सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों के बारे में चर्चा करेंगे। मैं राजनीति विज्ञान के जो टॉपिक्स आपको पढ़ा रही हूँ, जो लिखवा रही हूँ, उसको आप कॉपी में नोट डाउन करते जाइए। जो ऑनलाइन क्लासेस की मैं आपको बच्चों सुविधा दे रही हूँ, वो अगर जारी रखनी है बच्चों, तो आप मेरे नव भारती स्टडी सर्कल चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक्स करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर और कमेंट्स दें, ताकि मैं आगे के वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट हो सकूं, ताकि मुझे लगे कि मेरे वीडियो बच्चे देख रहे हैं और उससे लाभान्वित हो रहे हैं बच्चों। धन्यवाद।